जैसे कि हमने गुज़श्ता वीडियोस में जाना कि दुनिया के तमाम वसाइल, तमाम बैंक्स, मीडिया हाउसेस, पॉलिटिशियंस, फूड चेन्स, गैर सब हालात को दुनिया के चंद मखसूस अफराद ही कंट्रोल कर रहे हैं जो शैतान की परस्तिश करते हैं और अलुमिनाती कहलाते हैं। पहले इस तंजीम की तमाम सरगर्मियाँ खुफिया हुआ करती थीं, मगर अब इसे खुलम खुला लोगों को गुमराह करते हुए देखा जा सकता है, जिसका सबसे अहम हथियार टीवी मीडिया है, जिसका असर अब सरहदें फलांगता हुआ एशियाई ममालिक में भी दाखिल हो चुका है। वैसे तो इंडिया में इस वक्त बहुत से लोग अलुमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग के लिए काम कर रहे हैं, मगर इनमें से एक अहम तरीन नाम बिग बॉस रियलिटी टीवी शो का भी है। बिग बॉस एक बहुत ही मशहूर इंडियन रियलिटी टीवी शो है, जिसे आप में से तकरीबन हर दूसरे शख्स ने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा या कम अज़ कम इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इस शो का कॉन्सेप्ट डेनमार्क के एक मशहूर टीवी रियलिटी शो बिग ब्रदर से लिया गया है, जिसे जॉन डी मॉल नाम के एक शख्स ने सबसे पहले मुतारिफ करवाया। बिग बॉस को 2006 में पहली बार सोनी टीवी पर मुतारिफ करवाया गया, मगर बाद में इसकी ओनरशिप इंडिया के एक मशहूर टीवी चैनल कलर्स के पास चली गई, जहां अब तक इसके 11 सीजन हो चुके हैं। इस शो के पहले 3 सीजन अर्शद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए। दोस्तों, ये शो मुकम्मल तौर पर अलुमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये लोग इस प्रोग्राम के जरिए अपने करोड़ों देखने वालों की सोचों को कंट्रोल करके शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों में दौलत, शोहरत और सेक्स की ख्वाहिशात को बढ़ाना, इन्हें खुदगर्ज बनाना, इनकी अखलाकियात को तबाह करना और ना नज़र आने वाली शैतानी ताकत का हुक्म मानने के लिए लोगों के दिमाग को तैयार करना इनका मकसद है। ये वीडियो हमारे बहुत से काबिल सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है, और मुझे बहुत खुशी होती है ये जानकर कि लोग अब खुद ही ऐसे शैतानी हथकंडों को बचाने लगे हैं और इनमें आहिस्ता आहिस्ता इन शैतानी ताकतों से मुतल्लिक शऊर पैदा हो रहा है। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा इनको एजुकेट करने की। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बातों तक महदूद रहने की बजाय ऐसे नाकाबले तरदीद सबूत पेश करेंगे जो इस प्रोग्राम की असल हकीकत को बयान करने के लिए काफ़ी होंगे। दोस्तों, बिग बॉस को मशहूर करने के लिए जानबूझकर हर साल मिर्च मसाला लगाकर एक नया स्कैंडल या कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, ताकि लोगों की बातों में और गुफ्तगू में रहकर प्रोग्राम की रेटिंग और व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। इस मकसद के लिए सलमान खान जैसे मशहूर फिल्म एक्टर्स की खिदमात भी ली जाती हैं। बिग बॉस के घर में रहने वाले अपने दिन का आगाज़ नाच गाने से करते हैं, जबकि गालियां देना, वल्गैरिटी को प्रमोट करना और लोगों को अपने फ़ायदे के लिए खुदगर्ज होते हुए दिखाना यहाँ बिल्कुल मामूली बातें समझी जाती हैं, और लोग खुद को कूल दिखाने और कंजर्वेटिव ना कहलाने के डर से सब कुछ फॉलो करते हैं। और ये शैतान ही की तालीम है कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यानी कि तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, तुम्हें किसी मज़हब की तालीमात को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दर हकीकत कोई भी मज़हब इस तरह की अखलाक सोच हरकतों की इजाज़त नहीं देता। अलुमिनाती अपनी माइंड प्रोग्रामिंग मुख्तलिफ इशारों के ज़रिए लोगों के लाशऊर तक पहुँचाती है, यानी एक चीज़ को बार बार इतनी बार दिखाया जाता है कि वह लोगों के लिए बिल्कुल आम सी चीज़ हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आ जाते हैं कलर्स टीवी के लोगों की तरफ, जिस पर यह प्रोग्राम नशर किया जाता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस लोगों में 3 कलर्स के पत्तों की लेयर्स मौजूद हैं, जो कि 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट और शैतान के नंबर को शो करती हैं, जो इशारों की सूरत में मौजूद है और जाहिर करता है कि इस टीवी चैनल को अलुमिनाती होल्ड करती है। उसके अलावा इस शो को वोडाफोन नामी कंपनी स्पॉन्सर करती है, जो कि एक अलुमिनाती टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका सबूत इसके लोगों में मौजूद डिजिट्स 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतानी नंबर की मौजूदगी है। बिग बॉस आजकल कलर टीवी पर नशर होता है, और इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों से एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, जो कि वियाकॉम 18 नामी कंपनी करती है, और यह भी वोडाफोन की तरह एक अलुमिनाती टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, क्योंकि इसके भी लोगों के आखिर में मौजूद नंबर 18 का मतलब 666 यानी शैतानी नंबर की जमा है, यानी कि 6+6+6 जो कि 18 बनता है। दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शरायत होती हैं, मसलन कोई भी उम्मीदवार अपनी मर्जी से घर को नहीं छोड़ सकता, मगर फिर भी अगर कोई छोड़ना चाहे तो इसे 50 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस शो का मशहूर सिंबल या इसकी पहचान शैतानी आंख, जो अलुमिनाती का सबसे मशहूर सिंबल है, बिग बॉस के हर पोस्टर और तकरीबन हर बैकग्राउंड पर दिखाई जाती है, जिसे ऑल सींग आई भी कहा जाता है, यानी सब कुछ देखने वाली आंख। इसे दिखाने का मकसद लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना है कि ये तो बस एक आम सी चीज़ है, ताकि लोग इसे फैशन समझकर इसे अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि इस शो के दौरान सलमान खान और दूसरे किरदार आपको इस आंख को बनाते और शैतानी सींग जैसे इशारे लातदाद मकामात पर बनाते नजर आएंगे।
इस शो में छोटे छोटे स्टार्स को कास्ट किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे लोगों को भी कास्ट किया जाता है जो आम लोग हों, मतलब कोई मशहूर शख्सियात ना हो। इस शो का सबसे अहम किरदार बिग बॉस है, जो इस घर में रहने वाले तमाम उम्मीदवारों को हिदायत जारी करता है और सबको इसका हुक्म हर सूरत मानना पड़ता है। इस किरदार की सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है, मगर वो दिखाई नहीं देता, और यही इस प्रोग्राम की सबसे अहम माइंड प्रोग्रामिंग है, यानी एक ऐसे शख्स का हुक्म मानना जो नज़र नहीं आता और दुनिया को कंट्रोल करता है। इसी के पास आपकी कामयाबी, नाकामी, हार जीत सबका इख्तियार है, माज़ अल्लाह। ये सब कुछ दिखा दिखा कर इंसान के लाशौरी दिमाग में इसे महफूज कर देना है, ताकि लोग शैतान के हुक्म को फैशन समझकर अपनाएं और ये उनके लिए कोई नई चीज़ ना रहे, ताकि जब खुलम खुला इनका एक आंख वाला मसीहा दजाल जाहिर हो तो ये सब लोग खुशी खुशी इसकी फौज का हिस्सा बन जाएं। उसके अलावा जो लोग बिग बॉस देखते हैं इन्हें यह भी पता होगा कि सीजन 8 में इस शो में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी, जिन्हें काले रंग के हुड पहनाए गए थे। ये वो लिबास है जो शैतान की परस्तिश के दौरान अलुमिनाती के लोग पहनते हैं, जबकि 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मकसद शैतानी नंबर यानी 666 को दिखाना था, क्योंकि सिर्फ नंबर 6 इंसान का नंबर है, लिहाजा 6 नंबर वाले 3 इंसानों को दिखाना 666 यानी शैतानी नंबर या मार्क ऑफ द बीस्ट को शो करता है, जो यकीनन हादसाती तौर पर नहीं था। दोस्तों, अलुमिनाती किसी मजहब पर यकीन नहीं रखती सिवाय शैतानी परस्तिश के, और ये सिर्फ शैतान को ही खुदा मानते हैं, जो इन्हें हर तरह की कामयाबी, जन्नत और दोजख देने की ताकत रखता है। और बिल्कुल यही चीज़ बिग बॉस के सीजन 7 के दौरान ईडन गार्डन बनाकर दिखाया गया, यानी कि जन्नती मकाम। इसके अलावा जन्नत और जहन्नुम भी बनाकर दिखाई गई, जिसमें हारने वाले उम्मीदवारों को दोजख और जीतने वाले उम्मीदवारों को इनकी बनाई गई जन्नत मिलती थी। बिग बॉस में एक खास कमरा मौजूद है जिसे कन्फेशन रूम कहते हैं। इस कमरे के अंदर भी जन्नत और जहन्नुम को बनाकर दिखाया गया है। यहाँ उम्मीदवार बिग बॉस यानी इस ना नजर आने वाली ताकत से बात करते हैं, जबकि इस कमरे के बैकग्राउंड पर आपको सिर्फ आंखें ही आंखें नजर आएंगी। इस तरह हर सीजन में नए इशारों के साथ ये लोग अपने अलुमिनाती माइंड प्रोग्रामिंग एजेंडे का हिस्सा होने का सबूत देते हैं। मसलन सीजन 4 में कन्फेशन रूम में नामुकम्मल पैरामिड या अहराम मिस्र बनाकर दिखाना। सीजन 7 के दौरान पूरे घर में इंटीरियर में एक आंख बनाई गई। सीजन 8 में सलमान खान का अपने हाथ से शैतान के सींग बनाना हो, या सीजन 9 में अपने हाथ से 666 का निशान बनाना हो, या एक लड़की को फैश और बेहुदा डांस करते हुए दिखाना हो, ये सब कुछ यकीनन हादसाती तौर पर नहीं है और एक खास मकसद के तहत है, और वो है आपके दिमाग को कंट्रोल करके अपनी शैतानी तालीम देना। क्योंकि आजकल लोगों ने सोचने और रिसर्च करने के बजाय अपना दिमाग टीवी और मीडिया के हवाले कर दिया है। अगर आपको भी कभी ये प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हो तो यहाँ होने वाले झगड़ों और ऐसे मौजूदात पर बहस जिनसे आप में आज़ाद ख्याली और दीन से बेजारगी को बढ़ाया जा सके, यही सब तालीम आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अब यहाँ बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि क्या इस प्रोग्राम को होस्ट करने वाले या इसमें हिस्सा लेने वाले सब के सब लोग अलुमिनाती का हिस्सा हैं। इसका जवाब है हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने और मशहूर होने के लिए मजबूर होकर इनका हिस्सा बनते हैं और एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये सब वो शैतानी तालीम है जो टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए आपको दी जा रही है। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सब लोग इसकी हकीकत जान सकें, और अपने प्यारों को जो ये प्रोग्राम देखते हैं या देखने का शौक़ रखते हैं, इन्हें ऐसी शैतानी तालीमात और माइंड प्रोग्रामिंग से बचाया जा सके। अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें मुसलमान बनाया है, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए कुरान करीम भी नाजिल किया है, ताकि हम लोग गुमराह ना हो सकें। अगर कुरान और हदीस को छोड़कर हम ऐसे टीवी मीडिया को फॉलो करेंगे जो ये शैतान के पुजारी कंट्रोल करते हैं, तो हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी गुमराही के सिवा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये तो थी हकीकत इस बिग बॉस नाम की शैतानी माइंड प्रोग्रामिंग की। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये छोटी सी कहावत ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपनी पसंदीदगी का इज़हार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी TV। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।